भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की सुसाइड का मामला उलझता जा रहा है और अब इसमें एक नया ट्विस्ट आया है। बताया जा रहा है कि आकांक्षा की सुसाइड से पहले रात को एक लड़का उनको छोड़ने आया था और करीब 17 मिनट तक होटल के कमरे में रुका था। अब पुलिस उस लड़के की तलाश कर रही है। पुलिस को अब तक इसको लेकर कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन बताया जा रहा है कि होटल के सीसीटीवी फुटेज से इस रात से पर्दा उठ सकता है। बता दें कि आकांक्षा ने रविवार को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के एक होटल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आकांक्षा दुबे की सुसाइड के बाद होटल कर्मचारी इस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि सीसीटीवी फुटेज पुलिस की कस्टडी में है। अब सीसीटीवी फुटेज से ही इस बात का खुलासा होगा कि आकांक्षा दुबे के कमरे में उस रात को कौन आया था। हालांकि अभी इस बारे में पुलिस भी कुछ कहने से बच रही है। हालांकि आकांक्षा दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि आला अधिकारियों के शहर से बाहर होने की वजह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में समय लग रहा है और अभी यह बंद लिफाफे में सील है। हालांकि इस बीच आकांक्षा दुबे की मां ने भोजपुरी सिंगर समा सिंह पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही समर सिंह और उसके भाई संजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। घटना के 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस समा सिंह और उसके भाई को पकड़ नहीं पाई है। पुलिस की टीम लगातार दोनों की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है, लेकिन अब तक उनके हाथ कुछ नहीं लगा है। आकांक्षा दुबे ने मौत से कुछ घंटे पहले इंस्टाग्राम पर लाइव किया था और इस दौरान वह रोती हुई देखी गई थी। इसके बाद से ही यह सवाल उठ रहा है कि आखिर वो इंस्टाग्राम लाइव में क्या बताना चाहती थी। इंस्टाग्राम लाइव के दौरान वह अपना मुंह ढक कर रो रही थी। इस दौरान उनके फैंस और फॉलोवर्स लगातार सवाल पूछते रहे और रोने की वजह जानने की कोशिश करते रहे, लेकिन आकांक्षा जवाब देने के बदले जोर जोर से रोने लगी। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।